हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ पेपर फ्लावर का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैं क्रेप पेपर का यूज कर रही हूँ। मुझे ये मार्केट में 100-110 रुपीज़ के अराउंड में ये सारे पेपर्स मिले हैं। अराउंड इसमें 10 कलर्स हैं। टुडे आई एम यूजिंग पर्पल कलर, जिसमें से मैंने 6 सेंटीमीटर पे 4 स्ट्राइप कट किए हैं, जिसे मैंने 4 टाइम्स फोल्ड करके पेटल्स कट किए हैं। ईजिली कट करने के लिए आप वाइट पेपर का यूज कर सकते हैं। पहले उस पर ड्रॉ करके आप ईजिली उस पर कट करें। सेम प्रोसेस से मैंने सारे पेटल्स कट कर लिए हैं। अब हम फ्लावर के बीच में लगाने के लिए येलो स्ट्राइप कट करेंगे। ये मैंने 2 सेंटीमीटर में कट किया है। इसे मैंने 4-6 टाइम्स फोल्ड करते हुए इजीली कट किया है। आप जितने टाइम्स फोल्ड करके कंफर्टेबल हो उतने टाइम फोल्ड करके आप कट कर सकते हैं। फ्लावर का स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने एल्युमिनियम वायर का यूज़ किया है, जिसे मैंने अपने लोकल मार्केट से खरीदा है। अब हम ग्लू की हेल्प से इसे फोल्ड करेंगे। इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया ताकि इसे रोटेट करने में आसानी हो। पेटल्स लगाएंगे। इस पे आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा करके इसे रोटेट करते हुए आप आसानी से लगा सकते हैं। इसे नीचे आराम से हल्के हाथों से रोटेट करें ताकि ग्लू आपस में चिपक जाए। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मैंने इसमें 4 पेटल्स लगाए हैं। मैंने आज पर्पल पेपर का यूज किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर के पेटल्स बना सकते हैं। इस फ्लावर को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बना करके डेकोरेट कर सकते हैं और एज अ गिफ्ट बुके बना करके भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसमें मैंने सारे पेटल्स के बीच में ग्लू लगा करके सभी को सिक्योर कर दिया है। अब मैं ग्रीन टेप का यूज कर रही हूं। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने दूसरे फ्लावर्स भी बना करके रेडी कर लिए हैं। मैंने कुल टोटल 8 फ्लावर्स बनाए हैं। 4 पेटल्स के 1 फ्लावर, 4 पेटल्स के 1 फ्लावर। करते हुए नीचे तक पूरा ग्रीन टेप को लगाए। इसी तरह से मैंने अपने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं। अब हम लीफ के लिए A4 साइज ग्रीन पेपर लेंगे। इसे भी मैंने 8 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और लीफ का पैटर्न ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब इसमें हम लीफ पहला पैटर्न बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए मैंने 20 से सबसे पहले फोल्ड किया है। अब जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी तरह से आप फोल्ड करें ताकि आपका भी लीफ ओरिजिनल टाइप का दिखे।
सेम प्रोसेस से मैंने सारे लीव्स बना लिए हैं। अब हम अपने लीव्स को अपने फ्लावर्स में अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फ्लावर्स में एक लीव अटैच किया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, एज यू विश। अच्छा दिखे। सारे फ्लावर्स को मैंने इसी तरह से क्लोज कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।